हर चीज दी है, वेल क्वालिफाइड है, एमए प्लस बीएड कंपलसरी है, हर चीज अगर ओके है तो उसके ब्रेक्स भी हम अगर आज 2024 चल रहा है, 15 अगस्त 2019 को मैंने लास्ट अटेंडेंस अपने हाई स्कूल नजरत में डाली हुई। हम बड़े दरवाजे खटकाए, हमने अदालत के खटकाए, हमने लीडर से बात की, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन आज हम की कंडीशन ये हो चुकी है, ना हम मजदूरी कर सकते हैं, ना हम अपने परिवार को भी नहीं पाल सकते। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि 2013 के बाद 2024 तक टीचर की रिक्रूटमेंट ही नहीं आई। और कसूर क्या ठहराते हैं कि भाई ये पिछली सरकारों ने गलत किया, उसके लिए भी प्रोविजन, उसके लिए भी सर प्रोविजन होता है। प्रोविजन क्या था और वो हुआ भी था, बींग हमने प्रोटेस्ट भी किया था, उन्होंने बोला था कि 80% जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट होगी, 20% जो है वो ऑलरेडी जो जो टीचर लगे हुए हैं उनको मर्ज किया जाए, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हुई। और लास्ट में यही आता है कि भाई पिछली सरकारों का किया हुआ आज आपके ऊपर हो रहा है, शायद उन्होंने भी किसी किसी परिवार को जो है वो रोज़गार दिया था। हम नहीं कहते कि उनको बाहर निकालना था, हम नहीं कहते कि वो बेचारे 5-7-10 साल से जो है वो काम कर रहे थे तो उनको क्या करना था कि नौकरी से बाहर निकालना, क्यों? क्योंकि उनका भी परिवार था, हम इस चीज़ को नहीं कहते। लेकिन एक किस्म की रेशो बनानी चाहिए थी, न्यू रिक्रूटमेंट प्लस जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे थे उनको भी मर्ज करना था। क्या डबल इंजन सरकार पिछले 10 सालों में विफल रही है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लेकर? बिल्कुल सर, विफल रही है। रोजगार के मामले में सबसे पीछे, सबसे पीछे का मतलब 0%। तो लाइवलीहुड की अगर बात करें, बेरोजगार वेल क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड यूथ है तो वो कैसे अपने फ्यूचर को देखते हैं? सर वो इसी चीज़ पे निर्भर है कि कोई नया कैंडिडेट आए। और जैसे कि मास्टर गौरीशंकर जी ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयड एम ए बी एड यूथ जो है वो आज गहती मरने पे या कहीं पे ग्रिफ में लगना, तो उसके लिए सिफारिश करने की जरूरत है, तो उस पे जो है वो मजबूर कर तो मैं तो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता था, लेकिन हो चुकी है। 2014 में उन्होंने इलेक्शन करवाई, अब 2024 में इलेक्शन करवा रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि 20-21 साल में शायद हम 20 साल या 22 साल हमने पढ़ाई करने में लगाए हैं, शायद बेटर था कि अर्ली स्टेज में ही हम किसी काम को पकड़ लेते तो अच्छा होता, लेकिन ये हमारा विजन नहीं था। हमारा विजन था टीचर बनना, नेशन को बिल्ड करना, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कहते हैं हम डफर, हमने शायद हम उसके काबिल ही नहीं थे। लेकिन काबिलियत तब मानी जाती है अगर कोई उस दायरे में उस काम में हमें मौका देते। फोर्थ क्लास के फॉर्म लगे, वहाँ पे हमें जो है वो बोला जी जो ट्वेल्थ के पास ज़्यादा पढ़े हैं वो फॉर्म नहीं लगा सकते। फर्स्ट टाइम सुना था ये दीवार कभी नहीं होता, मिनिमम हो सकता था मैक्सिमम कभी नहीं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, योर एस्पिरेशंस फुलफिल हो। सर होप यही लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट क्या होता है क्या नहीं होता है इसके लिए आप भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते। अब हम यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मास्टर साहब ने ये मैनिफेस्टो में सबसे प्रायोरिटी पर रखा हुआ है कि ऐसे यूथ जो एमए प्लस बीएड आज बेरोजगार फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे हैं, उनके लिए इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। होप करते हैं कि मास्टर साहब जाएं आगे असेंबली में इन चीज़ों की बातें करें और इस काम को सक्सेस हमें जो है वो इंसाफ मिले। थैंक यू सो मच साहब, ये काफ़ी अच्छा अनुभव है इनका, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, प्रोएक्टिव हैं, सोशियो पॉलिटिकल एक एक्टिविस्ट हैं। क्या कुछ कहेंगे इस यूथ की एस्पिरेशन को लेकर? और हमें सैडनेस भी महसूस हो रही है कि आंख में आंसू है, और आज ये यहाँ बयान कर रहे हैं कि ऐसा लीडर है जो यूथ की बात कर रहा है और अपने फ्यूचर को देख कर यहाँ पहुँचे हैं रात को। सबसे पहले भट्ट साहब आपका शुक्रिया, जैसे ये भाई साहब आज दूर दराज इलाके से बनी में पहुंचे और इन्होंने मास्टर गौरीशंकर जी का दामन थामा, तो इनके दिल में अब यही है कि मास्टर साहब जो है हमारी बात करेंगे। अब बाकी मास्टर साहब का आपने देखा गौरीशंकर जी का उनका मैनिफेस्टो जो है उसमें सब कुछ लिखा गया है, खास करके उन्होंने पहले प्रायोरिटी जो है वो रखी है बेरोजगारी पे, उसके बाद बेरोजगारी में आप देखें जनाब
रामरेखेल का क्या हाल है, एसपीओज के साथ क्या हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, जो महकमा पीएचई में थे।